धनबाद से हमारी कुसुम जी जैन पूछना चाह रही है, रात्रि भोजन न करने से क्या लाभ है? रात्रि का भोजन न करने से लाभ ही लाभ है। हमसे पूछते हैं रात्रि भोजन करने से क्या हानि, तो ज़्यादा अच्छा होता है। जो दिन में भोजन करते हैं उनका जीवन बड़ा खुशहाल होता है। हम जानते हैं कि दिन में भोजन करने में हमारी प्रकृति की अनुकूलता होती है। देखो कमल होता है ना, कमल सूर्योदय के रहने पर खिलता है, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश मंद हो जाता है, सूर्यास्त होता है, कमल कुमला जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर की जठराग्नि जब तक सनराइज रहती है तब तक पूरी तरह सक्रिय होती है, सूर्यास्त होने के बाद जठराग्नि मंद पड़ जाती है। तो सूर्यास्त के पूर्व यदि आपके पेट में कोई भोजन जाएगा तो उसका पाचन अच्छा होगा, और सूर्यास्त के बाद आप भोजन करेंगे तो भट्टी की आँच कम होगी, तो भोजन ठीक बनेगा या नहीं, फिर भोजन उसका ठीक ढंग से नहीं बन सकता। तो भट्टी की आँच कम होने से भोजन ठीक पचेगा नहीं, तो फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, अफरा होगा, अन्य तरह की प्रॉब्लम होगी। इसलिए दिन में भोजन करें जीव हिंसा से बचने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए व्यक्ति को चाहिए कि दिन में ही भोजन करे। समझ गए, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो जन्म से जैन नहीं हैं पर रात्रि भोजन नहीं करते। मैं आपको दो प्रसंग सुना रहा हूँ। एक दिन सन 1997 की बात है, जबलपुर में मैं था, एक बड़ा आयोजन चल रहा था। उस आयोजन के क्रम में हमने मध्य प्रदेश में दिन में शादी दिन में भोज यही अहिंसा का जय घोष एक नारा दिया था। अशोक नगर के लोग बैठे हैं, उसी दौर उधर भी ये नियम बना था, पूरे बुंदेलखंड में सब तरफ ये नियम चल रहा है, आज भी चल रहा है, मुझे इसकी प्रसन्नता है। तो जबलपुर में ये आयोजन हुआ और वहाँ मैंने रात्रि भोजन के विषय में एक दिन प्रवचन दिया और कहा कि रात्रि भोजन में जीव हिंसा का दोष लगता है। रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से मांस माने त्रस जीव का घात करता है, वो दोष है, ये हमारे जैन धर्म के अनुकूल नहीं है। मैंने महाभारत का एक संदर्भ बताया था ये कि नरकत द्वारा निचत्वारी प्रथमम रात्रि भोजनम परस्त्री गमनम चैव संधानानंत काई के नोदकम अपि पातव्यम रात्रौ यत्र युधिष्ठिर तपस्वी नाम च विशेषेण गृही नाम च विवेकिना ये रात्रौ सर्वदाहारम परित्यजंत समेध स तेषां पक्षोपवासस्य फलम मासेन जायते। कि नरक के चार द्वार है, उसमें पहला द्वार रात्रि भोजन है, दूसरा परस्त्री सेवन है, तीसरा आचार मुरब्बा खाना है, और चौथा अनंत काई जमी कंद को खाना है। और कहा गया कि हे युधिष्ठिर, रात्रि में तो जल भी नहीं पीना चाहिए विवेकी गृहस्थों को और तपस्वियों को, जो रात्रि में चारों प्रकार के आहार को त्याग देते हैं उनके एक माह में एक पखवाड़े के उपवास का फल मिलता है। चारों प्रकार का आहार छोड़ दिए, 12 घंटे का उपवास हो गया आपका। उस कार्यक्रम के बाद जब मैं वापस लाटगंज के मंदिर में पहुंचा, एक डॉक्टर दंपति मेरे पास आए, शायद वो द्विवेदी थे दोनों, डॉक्टर MD मेडिसिन थे और उनकी धर्मपत्नी वो भी डॉक्टर थी, गायनोकोलॉजिस्ट थी। दोनों ने श्रीफल चढ़ाया और मुझसे कहा, महाराज श्री, हम दोनों ने छत पर बैठकर आपके प्रवचन सुने, तब से आपको परोक्ष रूप से प्रणाम करके रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। छत से आपके प्रवचन सुने और आपको परोक्ष रूप से प्रणाम करके रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, महाराज श्री आशीर्वाद दीजिए, आज से सायं 6:30 बजे के बाद हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। और राइट टाउन के डॉक्टर थे। फिर उसके बाद 2004 में जब दोबारा मैं वहाँ पहुँचा, मैंने पूछा तुम्हारा नियम ठीक चल, उन्हीं ने याद दिलाया, महाराज वो डॉक्टर हूँ। बोले बहुत अच्छी बात, नियम चल रहा है। बोला महाराज बहुत बढ़िया चल रहा है। हमने कहा कोई तकलीफ तो नहीं होती? बोले कोई तकलीफ नहीं होती महाराज, पार्टी शार्टी में जाते हैं आधा घंटा पहले पहुँच जाते हैं, उनकी तैयारियाँ चलते रहती है। बोलते अच्छा दे रही है, हम लोग लिफाफा पकड़ाते कि आते हैं और हमारा काम हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं जाती। निष्ठा हो तो सारे कार्य हो सकते हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं। जब उनने मुझसे कहा कि 6:30 के बाद हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, तो फिर मैंने उनसे पूछा आपका निभ जाएगा? तो उनने कहा महाराज दया पालन करने के लिए आप जो कहोगे सब निभ जाएगा, हमारी दया निभनी चाहिए बाकी और कुछ। ऐसे एक अतुल दुबे हैं सतना के, वो हमसे बहुत अच्छे से जुड़े, टैक्सेशन के प्रैक्टिशनर है, एक बड़े लीडिंग प्रैक्टिशनर और बड़े भद्र व्यक्ति।
2004 में वो हमारे संपर्क में आए और तब से वो रात्रि भोजन का त्याग किए। रात्रि भोजन के त्याग करने के बाद उनके साथ एक विचित्र संयोग जुड़ा, क्योंकि वो बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, खेल करके आते हैं तो खा नहीं सकते और खा करके जाते तो खेल नहीं सकते, तो उन्होंने तय कर लिया अब हम एक ही टाइम भोजन करेंगे और अब अपने आप को बहुत फिट महसूस करते हैं, रात में कुछ नहीं खाते कुछ नहीं पीते। तो ये व्यक्ति की धारणा है, यदि व्यक्ति के मन में आ जाए तो सारे कार्य हो सकते हैं। आप दिन में निश्चिंतता से कहीं भी बैठ सकते हैं, मच्छर आपको नहीं सताते, रात्रि में मच्छर आपको सताते हैं। आखिर क्यों? सूर्य की किरणों में रहने वाले अल्ट्रावायलेट रेज, उसके कारण सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, जो होते ही इधर उधर छिप जाते हैं। रात्रि होते ही उनका संचार हो जाता है और उनका आपके भोजन में समाविष्ट होने की संभावना पूरी बनी रहती है। इसलिए उन जीवों की हिंसा ना हो, इस भय से हमें दिन में भोजन करना चाहिए। दिन में भोजन करना जैनी की पहचान है, इसलिए रात्रि भोजन से बचे। जितने लोग भी यहाँ आए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इसका परहेज करें। कई लोग तो क्षेत्रों में आकर के भी रात में खा लेते हैं, यह अच्छी बात नहीं है, इससे अपने आप को बचाना चाहिए, आपकी अपनी पहचान है। मेरे संपर्क में एक डॉक्टर हैं जयपुर के, तो उन्होंने कहा महाराज, उनका नाम है अशोक लोहड़िया, तो एक दिन उन्होंने कहा मुझसे, महाराज जी मैं कहीं भी जाता हूँ तो दिन में खाता हूँ, लायंस क्लब से जुड़े हुए हूँ, तो बोले महाराज मेरी कारण सारी मीटिंगें दिन में होती है और कहीं रात में होती है और मुझे खाने की बात की जाती है तो मैं कहता हूँ साहब मैं जैन हूँ, मैं रात में नहीं खाता, और यदि कोई इर्द गिर्द में जैन ही खाता हुआ दिखता है तो मैं और ज़ोर से बोलता हूँ कि मैं जैन ही हूँ, रात में नहीं खाता। तो एक साथ एक दिन ऐसा हुआ कि एक ही कार्यक्रम में हो गए, वहाँ भोजन रात का था, इनको खाना नहीं था, जब इन्हें ऑफर किया गया उनने अपनी आदत के मुताबिक निषेध किया, तो उसमें एक सरदार जी थे, उनको मजाक सूझी, क्या जैन साहब 16वीं शताब्दी में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, 12वीं शताब्दी में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं रही होगी, सो लोग रात में नहीं खाते थे, अब तो बड़ा बड़ा मरकरी और हेलोजन लग गया, अब रात में खाने में क्या दिक्कत है, 12वीं शताब्दी में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं रही होगी इसलिए लोग रात में खाते थे, अब तो बड़ा बड़ा हेलोजन लग गया, अब रात में खाने में क्या दिक्कत है। तो फिर डॉक्टर साहब ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है, उनने बिना किसी झेप और संकोच के पलटते ही कहा, ठीक कहते हो सरदार जी, नहीं रहे होंगे 16वीं शताब्दी में कोई सैलून और नाई, अब तो बड़े बड़े सैलून खुल गए, आप अपनी दाढ़ी क्यों नहीं कटवा लेते। सरदार जी अपना सा मुंह लेकर रह गए, समझ गए, उन्हें समझ में आ गया कि किसी की परंपरा पर आक्षेप करने का अर्थ क्या होता। नेक्स्ट।